इस एपिसोड में मैं आज महाआरती कवर करूंगा और मेरा मेन उद्देश्य यह है कि मैं माता रानी की आरती का दर्शन सबको अपने वीडियो के माध्यम से करवाऊं, ताकि दूर दूर से आने वाले लोगों को यहाँ पता चले कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, कैसे माँ नर्मदे की आरती की जाती है, और ये सब देख के उनको भी यहाँ पे आने की उत्सुकता होगी। अभी हम आ चुके हैं नाव के अंदर। जैसे मैंने बताया था कि ये एक बड़ी ही परंपरा रही है भारतीय समाज में कि नाव के द्वारा नदियाँ हम पार करते हैं, और अभी हम जा रहे हैं ग्वारी घाट गुरुद्वारा साहब, और हम आपको दिखाएंगे कि नाव का व्यू कैसा है, पानी कैसा दिखता है। और ये रहा मेरे पीछे गुरुद्वारा साहब। मैं जहाँ पर हूँ ये नर्मदा नदी के एकदम बीचों बीच में मंदिर है, और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख जाएगा अपने मंदिर का भी, गुरुद्वारा साहब का भी, और बहुत कुछ है, अच्छा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जैसे कि एक व्यू है इधर पूरा। हमारा नाम महेश बर्मन है और मैं जन्म का ही यहाँ पैदाइश है मेरी। करीब 44-45 साल हो गया है हम दुकान लगाए। यहाँ की मान्यता ऐसी है कि नर्मदा जी से जब तक आप झोली मांग के, ऐसे झोली फैला के कहीं भी देवी देवताओं के पास जाओ, आप जब तक आप झोली फैला के मांगोगे नहीं तब तक वहाँ पूर्ति नहीं होती। नर्मदा जी की यहाँ मान्यता ये है कि आप जब भी आओ यहाँ का जल ज़रूर लेके जाएं अपने घर में, और वो जल जो है कम से कम साल दो साल आपके घर में रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार ले गए और एक बार पूजा की और उसमें पूरा इस्तेमाल कर दिया। यहाँ की सबसे बड़ी प्रसिद्ध, सबसे मैं कहना चाहिए 100 बात की एक बात, नर्मदा जल जो ले जाते हैं लोग यहाँ से वो एक बार में यूज कर देते हैं, और उसको मतलब कोई काम का नहीं रहता, एक बार में नहीं करना है। नर्मदा जल ले जाने का महत्व ये है कि आप कम से कम 2-3 साल उस जल को घर में रहने दो, उसका उसके बाद आप खुद अपना अनुभव करो कि हमें जल ले जाने से क्या प्राप्त हुआ है। अभी हम लोग जो बैठे हैं शाम की आरती का इंतज़ार कर रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे। राम बजो जय राधिक्याम, जय जय राधिक्याम, बोलो जय सीताराम, जय जय राधिक्याम, बोलो जय सीताराम, जय सीताराम मैया जय राधिक्याम, जय जय सीताराम मैया जय राधिक्याम। ओम जय गुरु हरे हरे।
राम समस्ते आनीय खंडन श्री फलम ओम श्री जने रिसेंटली आरती हुई और हमने आरती का फ़ायदा उठाया और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है यहाँ पर और भीड़ की वजह से सारा कुछ कवर करना तो बहुत इजी नहीं था। मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ सिर्फ आरती के लिए और तो फाइनली ग्वारी घाट आज मैंने कंप्लीट किया है। अगला वीडियो मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट पवित्र स्थान के साथ, तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.